हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो हम पहुंच गए हैं वो वृंदावन में, मधुवन आपने नाम सुना होगा, वहीं पे हम पहुंच गए हैं। तो चलो व्लॉग को करते हैं शुरू और आई होप कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे 2 से 3 नंबर के क्या चार्ज लेते हो? 350 रुपया पूरा, और उसको श्रृंगारते हो। ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये काला जी को सजा रहे हैं भाई। ये क्या लोकेशन पड़ती है आपकी? निधिवन के पास टांगा स्टैंड पड़ता है। निधिवन के पास टांगा स्टैंड। भाई साहब आप क्या कर रहे हो, दिखाओ जरा अपनी कलाकारी। ये देखिए ये राधा जी को कैसे सजा रहे हैं भैया। अपना मोबाइल नंबर बोल दोगे? नंबर है 74। हाँ जी। 17 जी। 54 जी। 91 जी। 12 ठीक है सर। ये कार्ड है मेरा पास, दो कार्ड दो। ये इनका कार्ड है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कान्हा जी का श्रृंगार करवाना है तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी जितने भी पेंट करे होते हैं वो यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो ले जाते हैं और वो स्पेशली भी ऑर्डर से भी इनसे तैयार करवाते हैं वो। तो सारी फैमिली यहाँ पे आ गई है हमारे साथ। तो यहाँ से जो है वो अंदर जाना होता हमें, तो पहले तो ये सारा जो है वो ओपन ही था, लेकिन ये जो बंदर आपको दिख रहे हैं ये तंग करते थे, लोगों का सामान छीनते थे, लोगों का फ़ोन छीन लेते थे, उसी वजह से जो ये है अभी इसको थोड़ा कवर कर दिया गया है। मंत्री में कोई डाल बंसरी डाल के कोई ना, क्या बंसुरी के साथ निकाला था? ये वाला जो कुएं सामने दिख रहा ना ये बंसरी के साथ निकाला था कृष्ण। हाँ, कृष्णा जी ने ऐसे करके बंसरी मारी तो कुआ बन गया था, पानी निकल आया था वहां। पानी पीने के लिए, राधा के लिए, राधा ने पानी पीने के लिए। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अभी जो हम सब माथा टेकने के बाद जो है वो बाहर मार्केट में आ गए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्णा जी के वस्त्र मिलते हैं, लड्डू गोपाल जी के जितने भी वस्त्र हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं इनसे। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे और भी कुछ जैसे खाने को भी मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे वो बहुत मशहूर है जी, लस्सी बहुत मशहूर है यहाँ की, तो अभी जो है वो लस्सी पीने लगे हम। और जो कचौरियाँ भी बहुत फेमस है यहाँ की। हमें यहाँ पे एक दुकान मिली, वहाँ से हमने काफ़ी कपड़े जो है वो परचेज किए अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी। और अभी जो है हम वहाँ पे, एक गौशाला थी वहाँ पे आ गए, क्योंकि हमें जो देसी गायें काफ़ी पसंद है, साहिवाल और गिर,
तो उन्हीं को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हम जो है वो एक गौशाला में आ गए वहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्यारी जो है वो हमें गायें देखने को मिली और काफ़ी जो है वो मन हमारा खुश भी हो गया यहाँ पे आके। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने घर पे भी जो है वो गायें काफ़ी रखी हैं, तो अगर आपको भी कभी टाइम मिले तो आसपास आपके जो गौशाला होती है वहाँ पे जाएं और इनको थोड़ा चारा दीजिए, देखना आपको भी काफ़ी जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी और ये काफ़ी अच्छी सेवा है हमारे लिए। तो हमारा तो यहाँ पे आकर वापस घर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। बाय बाय।